दोस्तों, इंडियन वेज किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मार्केट में मिलने वाला जो 500 रुपए केजी मिलता है अचार का मसाला, उसे हम बहुत ही सस्ते दामों में घर में तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई रख लिया है और सबसे पहले हमने एक बाउल धनिया लिया है, खड़ा धनिया इसको डाल देंगे। एक बड़ा चम्मच जीरा है, खड़ा जीरा इसको डाल देंगे। एक चम्मच के करीबन काली मिर्च है, इसे डाल देंगे। एक चम्मच के करीबन मेथी है, हम इसे भी डाल देंगे। और ये दो बड़े चम्मच सौंफ है, इसे हम डाल लेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे इसमें से। और मसाले को जब तक भूनेंगे जब से इसमें से खुशबू ना आने लगे भूनने का और मसाले चटकने ना लगे। मसालों से खुशबू आने लगी है और धनिया चटकने लगा है, हम गैस ऑफ कर देंगे। और एक बड़ा छोटा सा बाउल हम दो तीन बड़े चम्मच सरसों है, हम गैस ऑफ करके डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये ठंडा हो जाएगा तब हम मिक्सी में इसे पीसेंगे। तो लीजिए, हमने मसाले पीस लिए हैं। आप देख सकते हैं कि एकदम फाइन भी नहीं हमने किया है और ना एकदम दरदरा, हाथ से छूने से फील हो रहा है। इसी टाइप का हमें मसाला तैयार करना था। चलिए अब हम इसे मिक्स करते हैं। तो हम कढ़ाई में ही इसका मिक्सचर तैयार करते हैं। हमने अपने मसाले डाल दिए। अब हम उसमें एक बाउल के करीबन सरसों दाल, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, सरसों दाल के नाम से मिलता है, इसे डाल देंगे। हम इसमें दो बड़े चम्मच मिर्च पाउडर तीखी वाली डालेंगे और फिर हम इसमें कश्मीरी मिर्च डाल देंगे जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, मार्केट जैसा आएगा। हम एक बड़े चम्मच से ज़्यादा हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। हमने एक बड़े चम्मच अजवाइन लिया है, डाल देंगे। हमने आधा चम्मच के करीबन काला जीरा लिया है, इसे भी डाल देंगे। और हमने जो सौंफ बचाया था ना चम्मच के करीबन, इसे भी डाल देंगे और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है मार्केट में अचार मसाला 500 रुपए केजी के करीबन हुआ है। हम इसे बहुत ही आसानी से घर के ही सामान से तैयार कर लेंगे कम मेहनत में। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय पर इसमें मॉइस्चर आ जाता है नमक रखने से। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो लीजिए, बनके तैयार है घर में तैयार किया हुआ अचार का मसाला, जिसे हमने बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट तैयार किया है। फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसे बनाएं और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।